और अब बात हिसार के गांव माइयड़ की, जहां पेंशन पाने के लिए मुर्दे भी जिंदा हो रहे हैं। जी हां, खबर कुछ अटपटी जरूर है, लेकिन हकीकत उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली है। यह है हिसार का गांव माइयड़। इस गांव की खास बात यह है कि यहां मुर्दे भी पेंशन लेने आते हैं। जी हां, सुनने में बेशक अजीब लग रहा हो, लेकिन ये बात जितनी आपको परेशान कर रही है उतनी ही हमें भी खटकी। हैरान परेशान कर देने वाला वाक्या कितना सच है, इसकी तफ्तीश करने पहुंची फोकस हरियाणा की संवाददाता गांव मैयड़ में। लेकिन जब हकीकत पर से पर्दा उठा तो पता चला कि हकीकत तो सच में चौंकाने वाली थी। अब इससे पहले कि आपके जहन में कुछ और आए, आपको बता दें कि मुर्दे तो कभी जिंदा नहीं होते, लेकिन चंद रुपयों की पेंशन को हथियाने के लिए इस गांव की सरपंच ने उन्हें भी जिंदा कर दिया, लेकिन सिर्फ कागजों में। जी हां, इस शर्मनाक हरकत को करने वाली इस गांव की महिला सरपंच कमला देवी है, जो लंबे अरसे से मुर्दों को जाली दस्तखत कर उनकी पेंशन की धांधली कर रही है। गांव वालों को आरोप है कि इस गड़बड़ झाले के बाद सरपंच पर केस भी दर्ज हुआ, लेकिन आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। हाँ जी, सरपंच कर रहा है ये सब, गबन कर रहा है वो, और अगर 5 साल की जांच करवाई जाए तो इसमें लाखों रुपए का गबन है। हम इस मामले में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज से मिले थे, उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया था, लेकिन हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई। 26/4/2015 को हमने सदर थाना हिसार में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, सिर्फ हमारे को बहकाया जा रहा है। किसी ने भी कुछ नहीं किया? नहीं जी, डीसी साहब से आज पहले मिले थे, उन्होंने हमारे को एक जवाब दिया कि दो की खाई है, इतने बड़े गांव में क्या पता चलता है। लेकिन हमने अब उनको दोबारा कहा है कि 12 आदमियों की पेंशन और खा रखी है जी। फिर आप क्या बोले? अब वो बोले एक अप्लीकेशन लिख के दे के जाओ, इंक्वायरी करूँगा। जो मृत्यु प्रमाण पत्र मिलने के बाद भी कई दो आदमियों की बुढ़ापा पेंशन, दो की और उनकी FIR दर्ज हो चुकी है। अब तक ना तो कोई गिरफ्तार हुआ है, ना इसको सस्पेंड किया गया है। अब DC ने मिलने पे बाद पता लगा कि भाई ये दो गलती से लिए गए होंगे, इनको पता नहीं होगा, जबकि ये उसके दाग में गए। अब हमें उनको दिखा दिया कि 12 आदमियों की और खा रहे हैं, किसी की 10 भी नहीं की, किसी की 11 भी नहीं की, किसी की 6 भी नहीं की, पेंशन खाई जा रही है। उनकी लिस्ट हमने DC साहब को दे दी है। इस मामले में जब उपायुक्त हिसार से पूछताछ की गई, तो उन्होंने पल्ला झाड़ते हुए साफ कह दिया कि ये मामला उनके पास आज ही आया है और इसका जिम्मा DDPO हिसार को दे दिया गया है और इस मामले में जल्द ही जांच होगी। उन्होंने आज ही लगाई है, काफी लोगों का नाम भी दिया कि उसने गलत किया है, तो इंक्वायरी में हमें 10 दिन लगेगा, फिर हम कार्रवाई भी करेंगे। इस पूरे मामले में मैंने DDPO साहब को मार्क किया, वो BDO साहब उसकी इंक्वायरी करेंगे और बताएंगे क्या रहा है क्या। बहरहाल जांच तो हो ही जाएगी, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या इंसानियत पर पैसा इतना भारी हो गया, जो आज एक सरपंच अब उन लोगों की पेंशन भी बटोर रही है जो असल में जिंदा ही नहीं। फोकस हरियाणा के लिए हिसार से शशिकांता सिंह की रिपोर्ट।